हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस का इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, जहां पर मैंने आपको कक्षा 10वीं विषय गणित के ब्लूप्रिंट को समझा दिया है। सेकेंड क्लास में हमने अपनी स्ट्रेटेजी पर बात कर लिया था, प्लानिंग पर बात कर लिए थे, और थर्ड क्लास से मैंने आपको अध्याय 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते थे, PYQs बनते थे, सारे को मैंने आपको डील करा दिया है। आज की इस क्लास में मैं आपको अध्याय 2 दो चरों के रैखिक समीकरण को पढ़ाने वाला हूं। तो आ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए और आज की सेशन का आनंद उठाइए। देखिए, तो हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023 में, जहां पर मैं डिस्कशन करता हूं कक्षा 10वीं विषय गणित को, और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण, और ये होने वाला है भाग 1। भाग 1 में 2 प्रश्न, भाग 2 में फिर से 2 प्रश्न, और भाग 3 में फिर से मैं 2 प्रश्न समझाने वाला हूं। तो इस तरह से इस अध्याय में टोटल 6 क्वेश्चन समझाऊंगा, 6 में से कोई ना कोई क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन है 100% आपको देखने के लिए मिलने वाला है, एकदम गारंटी है, डन है, ये आप लिख के ले लो। तो 6 क्वेश्चन और 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये 6 प्रश्न नहीं करने और आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो 6 प्रश्न और 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे PYQs पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और क्विक रिवीजन भी कर लेंगे प्रश्नों के साथ साथ, ठीक है। चलिए, बिना 1 सेकंड टाइम वेस्ट किए मैं सीधा सीधा अपने प्रश्नों की ओर बढ़ना चाहूंगा। खूबसूरत सा यहां पर एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा, और यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2020 सेट ABC में। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाले क्लास में बता दिया था कि अध्याय 2 से हमेशा आपको बड़े प्रश्न ही देखने के लिए मिलते हैं, 6 नंबर के ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, छोटे क्वेश्चन यहां से बिल्कुल नहीं आते हैं। तो हमें बड़े बड़े प्रश्नों की तैयारी करना है। चलिए, तो पेन और कॉपी बिल्कुल आपके साथ में होना चाहिए, और जो मैं लिखवा रहा हूं उसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। आ जाओ, तो प्रश्न को मैं एक बार पढ़ देता हूं और आपको समझा देता हूं। चलो, तो बोला यह है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी जो आयु है मेरे पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। सर, पहली लाइन समझ में आ गई। सर फिर बोलता है कि 10 वर्ष पश्चात मेरी जो आयु है मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। दूसरी लाइन में एकदम क्लियर है। फिर बोला है कि मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु को ज्ञात कीजिए, और यह पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2020 सेट ABC में, दोनों में पूछा गया था, ठीक है, दोनों में, तीनों सेट में पूछा गया था। अब इस प्रकार को प्रश्नों को हल करने के लिए हम करते क्या है, हमें कथन के रूप में दिया गया प्रश्न, इसको पढ़ेंगे समझेंगे, और हमें यहां से 2 समीकरण मिलने वाले हैं, दोनों समीकरणों को हमें हल करना होता है। तो चलिए अब इसको करते हैं हल। देखिए बच्चों, तो यहां पर हम करेंगे क्या, जो हमें निकालना है ना उसी को हम मान लेंगे। मुझे यहां पर निकालना है मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। तो मेरी वर्तमान आयु को मैं मान लूंगा 100 वर्ष, और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु को हम मान लेंगे y वर्ष। आ जाओ, तो कहानी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, मानने से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो माना मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु 100 तथा y वर्ष है। कहानी हमने कहां से स्टार्ट किया, मानने से स्टार्ट किया, ठीक है। चलो, पहली लाइन तो एकदम क्लियर है सर, अब आगे की कहानी सुनिए। तो वापस अपने प्रश्न में, और बोला है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 साल पूर्व पहले हम क्या करेंगे, दोनों की आयु ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ, ज्ञात कर लेते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ, देख लो। तो ये हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या रही होगी, देखिए बच्चों, अगर मान लो अभी आपकी उम्र है 15 वर्ष, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5 वर्ष आपकी आयु क्या रही होगी, तो 5 वर्ष पहले आपकी आयु क्या रही होगी, आप 15 में 5 से हटा दोगे, क्या मिलेगा, 10 वर्ष मिल जाएगा, ठीक। उसी तरह से अभी जो मेरी वर्तमान आयु है ये 100 वर्ष है, मुझे 5 साल पहले की आयु निकालना है, तो 100 में मैं 5 को घटा दूंगा, तो ये हो जाएगा 100 - 5, ठीक है, ये हो गया वर्ष। उसी तरह से पुत्र के लिए निकाल लेंगे, तथा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। चलो, तो 5 वर्ष पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु तो है y, इसमें हम घटा देंगे 5 को, तो ये हो जाएगा y
माइनस फाइव वर्ष, ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। अब प्रश्न में बोला गया था कि पांच वर्ष पूर्व जो मेरी आयु है मेरे पुत्र की आयु के त्रिगुणी थी, तो इसको हम समीकरण के रूप में लिखने जा रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिखा प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार मैं थोड़ा सा स्पीड चलने वाला हूं, क्योंकि बच्चों मुझे पता है मुझे आपके एग्जाम की तैयारी करना है। अगर आपको लगता है कि एकदम डिटेलिंग पढ़ना है, बेसिक एकदम कमजोर है सर, तो एप्लीकेशन में आपको आना पड़ेगा, हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं आपके एग्जाम की तैयारी के लिए आया हुआ, तो थोड़ा सा हम स्पीड चलने वाले हैं, बेसिक को थोड़ा हम इग्नोर करते हुए चलेंगे। आ जाओ तो प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा कि पांच वर्ष पूर्व जो मेरी आयु थी, मेरी जो आयु थी पांच वर्ष पूर्व जो पुत्र की आयु की त्रिगुणी थी, तो यहां पर हमने कर दिया तीन का गुणा। ध्यान रखना तीन का गुणा किया हूं मैं किसके साथ, y माइनस फाइव के साथ किया हूं, ना कि x माइनस फाइव के साथ, तो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस फाइव इज इक्वल टू, तीन का गुणा करूंगा y से तो ये हो जाएगा थ्री वाई, तीन का गुणा करूंगा ऋण पांच से तो ये हो जाएगा ऋण पंद्रह। यहां तक एकदम कहानी क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा एक सा। अब मैं लिखना चाहूंगा वाई वाले पद को, तो अभी तीन वाई जो कि धन में है इसको मैं इस साइड लाऊंगा, तो ये हो जाएगा ऋण तीन वाई, ऋण पांच को अपनी जगह पर लिखा, अब ऋण पंद्रह को मैं इस साइड लाऊंगा तो ये हो जाएगा धन पंद्रह, बराबर के बाद हमें मिल चुका जीरो, बराबर के बाद क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो इस तरह से आपको राइटिंग बना के लिखना होगा। चलिए इसको और हल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल हल कर सकते हैं सर, आ जाओ आ जाओ, क्या हल करेंगे देखो। तो x माइनस थ्री वाई, इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया, x माइनस थ्री वाई, देखो पंद्रह में हम पांच घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा धन दस बराबर जीरो। चलो इसको हम समीकरण नंबर एक दे देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने समीकरण एक हल, हमने एक समीकरण ला लिया, ठीक है, पहले लाइन को हमने पढ़कर सॉल्व करके एक समीकरण बना लिया। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्न पर और पढ़ते हैं। तो बोला था कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु की दो गुनी हो जाएगी, तो 10 साल बाद के लिए हम दोनों की आयु को पहले ज्ञात कर लेंगे। आ जाओ 10 साल बाद की आयु निकाल लेते हैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा इसलिए 10 वर्ष बाद मेरी आयु, बाद मेरी आयु, ठीक है, तो अभी वर्तमान आयु तो है क्या x है, इसमें हम जोड़ देंगे 10 को, तो यह हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष, ठीक है, यहां तक भी बात क्लियर है। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे पुत्र के लिए भी, तो ये हो गया 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, ठीक है, चलो इसको भी निकाल लेते हैं सर। तो वर्तमान आयु तो है y, इसमें हम जोड़ देंगे 10 को, तो ये हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष, यहां तक भी समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोला था, तो फिर से हम लगाएंगे पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार, चलिए तो पुनः प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, तो 10 साल बाद जो मेरी आयु थी वो मेरे पुत्र की आयु के दो गुनी थी, तो यहां पर मैंने दो का गुणा कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई, अगर ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो इसको हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हो गया x प्लस 10, 2 का गुणा करूंगा y से, ये हो जाएगा 2y प्लस 2 का गुणा करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, यहां तक भी समझ आ गए सर। सबको एक तरफ पक्षांतर कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस 2y प्लस 10 अपनी जगह पर लिखा जाएगा, ये 20 इधर आकर माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो चुका जीरो, यहां तक भी कहानी क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, 20 में हम 10 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 10, अब 20 बड़ी संख्या 10 से और 20 के सामने में ऋण का चिन्ह, तो यहां पर भी ऋण का चिन्ह लग जाएगा, बराबर ये हो चुका जीरो। चलो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर दो, दो समीकरण मिल चुके हैं, दोनों समीकरणों को हमें हल करना है और x और y का मान पता करना, ठीक है, यहां तक भी बात क्लियर है सर। अब देखिए बच्चों, यहां से ना आपका एक और काम स्टार्ट होता है, क्या दो समीकरण मिल गए हैं, दो समीकरण मिल गए, ये पहला प्रश्न था। देखिए एक प्रश्न में ही मैं आपको दो प्रश्न समझा दूंगा, एक प्रश्न में दो प्रश्न का दम होने वाला है। पहला तो क्या है कि आपको कथन के रूप में समीकरण, कथन के रूप में सवाल दिया गया था, कथन के रूप में क्या दिया था, क्वेश्चन दिया गया था, इसको हमने अच्छे से पढ़ा समझा और दो समीकरण का निर्माण कर लिया, ये आपका पहला प्रश्न हुआ। क्या होता है कई बार आपको दो समीकरण दे दिए जाते हैं और बोल दिया जाता है कि उस समीकरण को हल कीजिए और एक कंडीशन लगा दिया जाता है। तो समीकरण को हल करने को मैं आपको तीन तरीका बताता हूं। देखो
पहला हमारा आता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि यह हमारी पहली विधि होने वाली है, ठीक है। चलो दूसरा हम पढ़ेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है सर, यह भी बात क्लियर है। तीसरा हम पढ़ेंगे आलेख विधि। तो आपके सिलेबस में तीन विधियों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, तीन विधि हम पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और आलेख विधि। तो बच्चों समीकरण एक व दो को किसी भी विधि से हल करेंगे, आपका उत्तर सेम आने वाला है, क्योंकि मुझे सिखाना तीनों विधियों को है, तो मैं तीनों विधि को सिखाऊंगा। तो आज के इस क्लास में मैं आपको दो प्रश्न समझाने वाला हूं। पहले नंबर का जो प्रश्न समझाऊंगा ना, दो समीकरण जो मिला हुआ है इसको मैं हल करूंगा प्रतिस्थापन विधि से। दूसरा नंबर को जो आपको समीकरण मिलेगा दूसरे प्रश्न पर हम जब बात करेंगे तो उसको मैं समझाऊंगा विलोपन विधि से। तो इस तरह से आप दोनों विधियों को सीख जाओगे एक ही क्लास में, ठीक है। अब बारी आती सर आप आलेख विधि को कब समझाओगे, तो इसका जब पार्ट नंबर तीन आएगा ना तो उस पर केवल और केवल मैं आलेख विधि के बारे में बात करूंगा, ग्राफ मेथड के बारे में बात करूंगा। तो आज की इस क्लास में मैं समीकरण को हल करने के दो मेथड के बारे में आपको सिखाने वाला हूं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो बार बार बोल रहा हूं मैं, ये एक प्रश्न नहीं है, इसमें दो प्रश्न का दम है, कितने, दो प्रश्न का दम है। तो दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है। पहला प्रश्न सवाल जो है आपको कथन के रूप में दिया गया था, इसको हमने पढ़ा, तो हमें समीकरण मिल चुका, दो समीकरण मिल गए। तो दूसरा प्रश्न आपका स्टार्ट होता है कि दोनों समीकरण को हल करने के आपको तीन मेथड मिलते हैं, तीनों में से किसी मेथड को अप्लाई कर देंगे, आपका उत्तर सेम आने वाला है। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा प्रतिस्थापन विधि से कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो दो समीकरण हमें मिले हुए हैं, दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल कैसे करते हैं कि समीकरण एक व दो को ना हम हल करेंगे और वहां से x और y का मान निकाल लेंगे, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, समीकरण एक या दो दोनों में से किसी भी एक को हल करेंगे, वहां से केवल हम एक चर का मान निकालेंगे। कैसे, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं आपको करके बताता हूं। चलो तो मैंने क्या लिखा पता है, समीकरण एक से, समीकरण एक से मैंने लिखा, समीकरण एक हमारा क्या था, चलो मैं एक बार उतार देता इसको, ये है x माइनस थ्री वाई प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, ये है हमारा समीकरण नंबर एक। यहां से मैं x का मान निकाल लेता हूं, चलो ये क्या हो जाएगा, देखो मैंने यहां पर लिखा x, बाकी को पक्षांतर कर देता हूं तो ये हो जाएगा x बराबर, ये ऋण तीन वाई उधर जाएगा तो ये हो जाएगा तीन वाई, धन दस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण दस। x का मान हमें मिल चुका है। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दोगे, वहां से आपको मिल जाएगा वाई का मान, ठीक है। चलो आ जाओ, किसी भी समीकरण में रख देंगे x का मान, किसी भी समीकरण नहीं, समीकरण दो में रखेंगे, समीकरण दो में ही रखेंगे, ठीक है, एक से कमान समीकरण दो बस में ही रखेंगे, समीकरण एक में नहीं रख सकते। तो समीकरण एक में रखने पर, सॉरी समीकरण दो में रखने पर ना, समीकरण दो में रखने पर आ जाओ, एक से कमान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण एक को हल किया, एक का मान निकाला और उसको हम समीकरण दो में रखने जा रहे हैं। तो समीकरण नंबर दो हमारा क्या था, एक्स माइनस टू वाई, और एक्स का मान हमने निकाला हुआ है थ्री वाई माइनस टेन, एक्स की जगह मैंने एक्स का मान रख दिया। फिर क्या था समीकरण दो में, माइनस टू वाई, माइनस टू वाई को मैंने लिखा, फिर क्या था माइनस टेन, तो ये हो जाएगा माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो था। चलिए इसको हल करते हैं, तो तीन वाई में दो वाई को घटा देंगे तो ये हो जाएगा वाई, ऋण दस और ये ऋण दस दोनों जुड़ जाएंगे तो ऋण बीस हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा जीरो। तो वाई बराबर इस बीस को इस साइड लाएंगे तो ऋण बीस उधर जाकर ये हो चुका बीस, वाई का मान मिल चुका है। और वाई को हमने क्या माना हुआ था, तो आ जाइए पहली लाइन में देखिए, वाई को हमने क्या माना हुआ था, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हमें पता चल चुकी है कि 20 साल है, कितना है 20 वर्ष है पुत्र की वर्तमान आयु। अब हमें निकालना है x का मान, तो y का मान आप किसी भी समीकरण में रख देंगे, वहां से आपको x का मान मिल जाएगा। चलो चलो आप लोग बताइए कहां पर रखूं, तो y का मान मैं किसी भी समीकरण में रख दूंगा, तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख देते हैं, चलो समीकरण एक में रखने पर, चलिए देखते हैं समीकरण एक में रखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है। तो y का मान समीकरण एक में रखेंगे तो x, x की जगह ये x से लिखा जाएगा, माइनस ये है थ्री वाई, तो तीन लिखा साथ में गुणा में क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 20, फिर क्या था 10, धन 10 बराबर ये था जीरो। चलो इसको हल करते हैं, देखो तो ये हो जाएगा x माइनस तीन का अगर गुणा करेंगे 20 से तो ये हो जाएगा 60, धन ये हो जाएगा 10 बराबर ये हो चुका जीरो। तो x,
अब 60 में हम 10 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 50। अब बारी आती है सर चिन्ह किसका लगाएं, तो 60 जो है वो 10 से बड़ी संख्या है और 60 के सामने में ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगेगा और ये हो जाएगा 1 ऋण 50 = 0। अतः 1 बराबर हमें मिल चुका 50 और 1 को माना हुआ तो मैंने अपनी वर्तमान आयु, अतः मेरी वर्तमान आयु 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है 20 वर्ष है और यही तो हमें निकालना था ना। तो समीकरण को हल करने को मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि को सिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से हल करना सीखने वाले हैं, ठीक है, आ जाओ। अब यहां पर आपका काम खत्म नहीं हुआ है, लास्ट लाइन में अपने उत्तर को लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे क्या, देखो यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं, अतः मेरी वर्तमान आयु 50 वर्ष, ठीक है, 1 से माना कितना है 50 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, तथा पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने करा दिया, प्रश्न क्रमांक 1 को करा दिया और साथ ही साथ हमने समीकरण को हल करने के प्रतिस्थापन विधि को भी सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो उसको हम विलोपन विधि से करना सीखने वाले हैं, तो दोनों विधियों को मैं बता दूंगा, ठीक है, चलो आ जाओ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा सीधा सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर बनने जा रहा हूं। दूसरा नंबर का प्रश्न मजेदार क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 2, बहुत ही ज्यादा सरल होने वाला है। और ये कब पूछा गया था, छत्तीसगढ़ 2017 सेट एबीसी, 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो तीनों सेट में समान रहते हैं, ठीक, चलो आ जाओ। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बोल रहा है। तो यहां पर यह बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियों तथा 2 मेजों को 1200 रुपए में खरीदा। चलो पहली लाइन तो क्लियर है सर कि 3 कुर्सी और 2 मेजों के लिए उन्होंने 1200 रुपए दुकानदार को दिया, ठीक है सर। फिर क्या बोलता है, तथा 2 कुर्सियों और 3 मेजों की कीमत 1550 रुपए चुकाई, तब 1 कुर्सी एवं 1 मेज की हमें कीमत ज्ञात करना है। तो हम इस प्रकार के प्रश्न में करते क्या है, जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा सीधा मानने वाले हैं, आ जाओ। तो यहां पर मैंने लिखा हल, हमें निकालना क्या है, 1 कुर्सी एवं 1 मेज की कीमत ज्ञात करना है, तो इसी को मैं मानूंगा, माना एक मेज की कीमत मेज यानी कि टेबल की कीमत 1 तथा y रुपए है, 1 तथा y रुपए है। हमने कुर्सी की कीमत को मान लिया 1 और टेबल की कीमत को क्या मान लिया है, 1 रुपए हमने मान लिया, ठीक है सर, यहां तक तो बात क्लियर है। अब पहले हमें बोला यह था कि 3 कुर्सी और 2 मेज के लिए 1200 रुपया दिया। मान लो बच्चों की कुर्सी की कीमत है 100 रुपए, 1 कुर्सी की कीमत कितने रुपए है 100 रुपए। अब आपको 2 कुर्सी खरीदना है या फिर 3 कुर्सी खरीदना, चलो आपको 3 कुर्सी खरीदना, तो आप कैसे निकालोगे, उसमें 3 का गुणा कर दोगे तो आपको दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ेगा, 300 रुपया देना पड़ेगा। उसी तरह से बोला गया है कि 3 कुर्सी तथा 2 मेजों की कीमत कितनी है, 1200 रुपए। 1 कुर्सी की कीमत को हमने माना हुआ 100, तो मुझे यहां पर 3 कुर्सी निकालना है, तो 3 कुर्सी की कीमत क्या हो जाएगी, 3 100 हो जाएगी। 2 मेजों की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 1 मेज की कीमत को हमने माना हुआ है y, मुझे 2 मेज की कीमत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2y कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलो आ जाओ। चलो देखो, तो हम अब डायरेक्टली लिखने वाले हैं प्रश्नानुसार, चलो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि 3 कुर्सी, तो 1 कुर्सी की कीमत है 100, इसमें हमें 3 कुर्सी निकालना है, तो 3 100 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 मेज, तो 1 मेज की कीमत y है और हमें 2 मेज का निकालना है, तो ये हो जाएगा 2y। दोनों की कीमत, कुल कीमत कितनी है, तो यहां पर धन का चिन्ह लगाया है, बराबर, दोनों की कीमत कितनी है, ये है 1200 रुपए, तो मैंने यहां पर लिखा 1200 रुपए। यहां तक बात क्लियर है सर। अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, चलो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर एक मैंने इसको दिया। अब दूसरी लाइन को पढ़ते हैं, तथा 2 कुर्सियों और 3 मेजों की कीमत 1550 रुपए है। अब पुनः प्रश्नानुसार आ जाओ, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है सर। अब सुनो,
दो कुर्सी, एक कुर्सी की कीमत कितनी है, एक सौ है, तो दो कुर्सी की कीमत निकालना है तो ये हो जाएगा दो एक सौ, और तीन मेज तो एक मेज की कीमत वाई है तो तीन मेज के लिए क्या हो जाएगा, ये तीन वाई हो जाएगा, दोनों की कीमत टोटल रेट कितना है तो ये दिया गया है 1550 रुपए चुकाया गया, तो ये हो चुका 1550 रुपए। अब यहां से हमें मिल चुका समीकरण नंबर दो, और दो समीकरणों को हल करने के मैं आपको तीन मेथड के बारे में बताने वाला हूं। हमने प्रतिस्थापन विधि को सीख लिया है, अब हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि को। किसको? विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हम एक समीकरण को लेते हैं, वहां से एक चर का मान निकालते हैं, उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं, यह हमारा कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, किसी एक चर को समान करेंगे और फिर उसको जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे, और वहां से हम एक चर का मान निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, जब मैं आपको करूंगा तो बताऊंगा। देखो देखो बच्चों, मैं क्या करूंगा पता है, यहां पर तीन अक्षर लिखा है, यहां पर दो अक्षर लिखा है, मैं दोनों को समान बनाने की कोशिश करूंगा, ऐसा कुछ मेथड अप्लाई करूंगा कि ये और ये इसके दोनों पद जो है वो बराबर हो जाएंगे, दोनों पद को मैं बराबर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मेरा पहला फोकस क्या हो गया, मैं आपको बता दिया कि पहले वाले पद को मैं दोनों समीकरण के पहले वाले पद को बराबर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसको बराबर करने का एकदम सिंपल सा तरीका होता है, पहले वाले पद को देखिए, इसके पहले वाले पद को देखिए, तो पहले वाले पद में आपको क्या दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है तीन, क्या दिख रहा है सर, तीन दिख रहा है, ठीक है, यहां तक तीन दिख रहा है। तो मैं समीकरण दो को ना इस तीन से गुणा कर दूंगा, समीकरण दो को मैं इस तीन से गुणा करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा छह एक सा, बात क्लियर है। फिर मैं समीकरण दो को इस दो से गुणा कर दूंगा तो तीन दूनी हो जाएगा छह एक्स, बराबर करना था बराबर हो चुका ना, और दोनों को मैं घटा दूंगा तो ये एक सौ वाला पद घट जाएगा, कट जाएगा, तो केवल y वाला बच जाएगा, और वहां से हम y का मान निकाल सकते हैं। ये हमारा कहलाता है विलोपन विधि। क्या कहलाता है? विलोपन विधि, जहां पर हम कभी जोड़कर कभी घटाकर इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो सर आ जाओ, तो मैं करने क्या वाला हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा समीकरण, ठीक है, समीकरण दो को किससे गुणा करेंगे, इस तीन के साथ गुणा करेंगे, तो समीकरण दो को तीन से गुणा तथा समीकरण एक को किससे गुणा करेंगे, तथा समीकरण एक को, तो समीकरण एक को इस दो के साथ गुणा करेंगे, समीकरण एक को दो से गुणा कर, दो से गुणा करेंगे, साथ में हम घटा भी देंगे, ठीक है, घटा भी देंगे, तो घटाने पर, यहां तक बात क्लियर हो गई क्या सर? बिल्कुल क्लियर है सर, आ जाओ इधर आ जाओ। तो देखो मैं जो यहां पर लिखा हूं उसको अब मैं करने जा रहा हूं, तो समीकरण दो को तीन से गुणा करने वाला हूं, समीकरण दो पर पूरा फोकस होना चाहिए, समीकरण नंबर दो ये हमारा, दो का गुणा करेंगे तो सभी पदों में गुणा होगा, यहां पर मैंने पहले दो ने तीन का गुणा करेंगे ना, तो तीन का गुणा करने वाला हूं, तो दो तीन हो जाएगा ये छह एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर इसमें मैं तीन का गुणा करूंगा, तीन तीन ये हो जाएगा नौ, ठीक है सर, यहां तक भी कहानी क्लियर है। इसमें भी मैं तीन का गुणा करूंगा, तो यहां पर मैं तीन का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4650, क्या हो चुका, 4650 हो चुका, 1550 में तीन का गुणा करेंगे तो 4650 हमें मिल चुका, यहां तक भी क्लियर है सर। फिर समीकरण एक को हम दो से गुणा करेंगे, अब आपका पूरा फोकस जो है वो समीकरण एक में होना चाहिए, समीकरण एक हमारा ये है, इसमें मैं दो का गुणा करने जा रहा हूं तो तीन दूनी ये हो जाएगा छह एक सर, बिल्कुल कहानी क्लियर है। फिर यहां पर प्लस है तो प्लस, फिर दो वाई का गुणा हम किससे करेंगे, दो से करेंगे तो ये हो जाएगा चार वाई, यहां तक भी क्लियर है, बराबर का चिन्ह लगाया, इसमें भी हम दो का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2400, क्या हो चुका 2400, और साथ में हम दोनों को घटाने भी वाले हैं तो यहां पर घटाने का मैं चिन्ह लगा दिया, यहां तक क्लियर है। यही हमारा कहलाता है क्या, विलोपन विधि। जब घटाते हैं तो नीचे वाले का सभी का चिन्ह बदल जाता है, छह एक से धन में है तो ये ऋण में हो जाएगा, ये धन के चिन्ह के सामने में ऋण लग जाएगा, यहां पर भी ऋण का चिन्ह लग जाएगा। चलो दोनों को घटाते हैं तो ये छह एक से धन में और ये ऋण में, दोनों आपस में कैंसल, यही तो हमें करना था ना, यही तो हमें करना था, दोनों कैंसल हो गया, केवल एक चर बच जाएगा वाई, और वहां से हम वाई का मान निकाल लेंगे। देखो तो 9y में अब मैं 4y को घटाने वाला, जोड़ूंगा नहीं क्योंकि चिन्ह परिवर्तित हो चुका, देख लो धन की जगह हमने लिख दिया क्योंकि घटा रहे हैं, तो 9y में हम 4y को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 5y बराबर।
46 से 50 में 24 को हम घटाने वाले हैं। तो 0 में 0 गया तो 0 मिलेगा, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2250 मिल चुका। अब 5 में और ये y दोनों गुणा में है, तो y के साथ जो गुणा है 5 में, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो गुणा वाला जाता है भाग में। तो अगले लाइन में मैं भाग में ले जाने वाला हूं। तो ये हो चुका y बराबर देखो इधर क्या था 2250, तो ये हो चुका 2250। अब भाग में क्या जाएगा 5 जाएगा, चलो इसको भाग करते हैं। तो 5 एक कम 5, 5 चौक हो जाएगा ये 20, अभी भी 2 बचा हुआ है, अभी हो जाएगा 5 पंच 25 और ये 0 को मैंने उतार लिया। तो y बराबर हमें मिल चुका है 450 और y को हमने क्या माना हुआ था, y हमारा क्या था, एक मेज की कीमत है, अतः एक मेज की कीमत कितना पता कर लिया हमने, 450 रुपए। एक मेज यानी कि एक टेबल की कीमत कितनी है, 450 रुपए। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे और x का मान बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। आ जाओ, तो y का मान किसी भी समीकरण में ना, ठीक है, y का मान समीकरण, चलो मैं रख देता हूं एक में रखने पर चलिए रख देते हैं। तो y का मान समीकरण एक, समीकरण नंबर हमारा ये था एक, तो तीन एक्स को पहले मैंने उतारा, प्लस है तो प्लस, फिर 2y, 2 को मैंने लिखा, y का मान कितना है 450, तो ये हो चुका 450, बराबर के बाद कुछ था क्या, हाँ 1200, तो ये हो चुका 1200, ठीक है सर। चलो इसको हल करते हैं, तो 3x धन, ये देखो 2 का गुणा करूंगा 450 से, तो ये हो जाएगा 900 हो चुका बराबर, अब ये हो चुका 1200। मुझे निकालना है x को, तो मैंने यहां पर केवल 3x को लिखा, ये हो जाएगा बराबर 1200, 900 को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा ऋण 900। तो 3x बराबर 1200 में हम 900 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 300, क्या मिलेगा 300 मिलने वाला है। अब x और ये 3 दोनों गुणा में है, तो x के साथ जो भी गुणा में है वो कहां जाएगा, गुणा वाला जाता है भाग में। इसको काट देंगे 300 को 3 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 100 रुपए। क्या मिल चुका बच्चों, 100 मिल चुका। x का मान आया है 100 और y का मान आया है 450 रुपए, अतः एक कुर्सी की कीमत कितनी रुपए है, 100 रुपए, और एक मेज की कीमत कितनी है, 450 रुपए। लास्ट लाइन में बस आपको आंसर लिखना पड़ेगा, आ जाओ लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मैं लिखूंगा अतः एक कुर्सी की कीमत 100 रुपए तथा एक मेज की कीमत 450 रुपए है, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। पूरा में पूरा नंबर मिलने वाला है, 6 में से 6 आपको नंबर मिलने वाला है, कहीं पर भी एक नंबर नहीं कटेगा बच्चों। अगर ये स्टेप फॉलो करते हो, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हो, अच्छे राइटिंग बना के लिखोगे ना, तो एक नंबर भी नहीं कटने वाला। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको 2 प्रश्न समझा दिया है, 2 नहीं एक्चुअल में ये 4 प्रश्न है। 4 प्रश्न कैसे हुआ, एक प्रश्न तो हमारा सवाल के रूप में दिया गया था जिसको हमने अपन समीकरण के रूप में चेंज किया, उसके बाद हमने और क्या किया है, दोनों सवाल में, पहले सवाल में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाया और सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको विलोपन विधि से हल करना सिखाया। तो 2 मेथड भी सिखा दिया मैंने आपको समीकरण को हल करने से संबंधित। नेक्स्ट क्लास में मैं पार्ट 2 में फिर से 2 प्रश्न लेकर आऊंगा, जहां पर मैं फिर से आपको इसी मेथड को अप्लाई करके, पहले वाले क्वेश्चन पर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे विलोपन विधि पर। तो इस तरह से मैं आपको 2 मेथड से अच्छे से सिखा दूंगा कैसे हम समीकरणों को हल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, आपको अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, अच्छे से सीखना है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।